बीडीसी डीडीसी ये पंचायती राज ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के अथक प्रयासों का नतीजा। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर समाज का हर वर्ग अगर इंसाफ के साथ खुले आसमान में शांतिपूर्वक माहौल में आज अगर सांस ले रहा है, इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कितने मुश्किल दौर से गुजरा है। यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी को शाम 3 बजे के बाद गाड़ियां चलना बंद हो जाती थी, आज दिन रात सड़कों में चहल पहल, बाजारों में रौनक। जम्मू हो, कश्मीर हो, बॉर्डर हो, पहाड़ है, मैदान है, माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग हैं, हर व्यक्ति आज सुख की और गर्व की अनुभूति कर रहा है जम्मू कश्मीर में। तो इसका सारा का सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब को जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं अधिक समय ना लेता हुआ स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से निवेदन करता हूं कि आज के इस जन सैलाब इस जन समुंदर को आकर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करें जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का अभिवादन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू दे सारे बासिये की मेरी तरफा हाथ जोड़िए नमस्कार। कांग्रेस एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है।
और साथियों, मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और ये तो मंदिरों की नगरी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। जम्मू के साथ दशकों से जो भी भेदभाव हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन।
उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला, ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है,
जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है, उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है। लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही जम्मू में कई कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। संविधान के तहत शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने ही संविधान में दर्ज ये हक दिए हैं। आज देखिए, जम्मू रीजन की 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। इसे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय, ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जिन साथियों को ये हक मिले हैं वे अब खुलकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से वोट दे रहे हैं। भाजपा पर भरोसा का
ये फिक्स डिपॉजिट हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, इस पूंजी की रक्षा में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के कारण जिनको भी गांव लगे हैं उनका मत मजहब कोई भी हो, भाजपा हर गांव पर मरहम लगाने में जुटी है। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की घोषणा की है। विस्थापितों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको बढ़ाने का भी वायदा भाजपा ने किया है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। इन्हें आपका विकास पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर वो पुराना सिस्टम लाएंगे, ये फिर वो भेदभाव वाला निजाम लाएंगे, और जिसका सबसे बड़ा शिकार हमारा ये पूरा जम्मू रीजन रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू के साथ हमेशा अन्याय किया है। ये तुष्टिकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इनके भाषणों को सुनिए, कैसे डोगरा विरासत पर ये हमला करते हैं। महाराजा हरि सिंह को बदनाम करने के लिए ये कैसे कैसे लांछन लगाते हैं। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का परिवार डोगरा राज को भ्रष्ट बता रहा है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू क्षेत्र के लोग मुझे बताइए, क्या यह आरोप आपको स्वीकार्य है? स्वीकार्य है? साथियों, भाजपा जम्मू के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 10 सालों में जम्मू को IIT, IIM और एम्स जैसे बड़े संस्थान मिले हैं। कठुआ और सांबा जिले के कंडी क्षेत्र में भी नई सड़कें बनवाई जा रही है। चत्तरगला टनल बनने से कठुआ और डोडा की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। कांग्रेस बॉर्डर के गांवों को आखिरी गांव मानती थी, भाजपा ने इनको पहला गांव बनाया है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमा से सटे गांवों का विकास किया जा रहा है। यहां जम्मू रिंग रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहां जाम की समस्या तो कम होगी ही, आसपास की तहसीलों के दर्जनों गांवों को फायदा होगा। साथियों, आज जम्मू की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।
जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने बाह किले से महामाया मंदिर तक रोपवे को भी शुरू किया है। जम्मू रीजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों को विकसित किया जा रहा है। गराना वेटलैंड्स, सुरिनसर झील और बीएसएफ चुंगी पोस्ट में हो रहा काम आपके सामने है। यहां जब तभी रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो जाएगा, जब तभी के किनारे आरती होगी तो सबके लिए कितना मनोरम दृश्य होगा। साथियों, इलाज हो, मेडिकल की, पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई हो, इसको लेकर तो जम्मू में अभूतपूर्व काम हुए हैं। विजयपुर में एम्स बन चुका है, यहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी शुरू हो चुका है। हड्डियों से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए इतना बड़ा और आधुनिक अस्पताल यहां बना है। कठुआ में मेडिकल कॉलेज बनने से एक बहुत बड़े इलाके को सुविधा हुई है। यहां बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज भी बनाए गए हैं। आने वाले समय में जम्मू के विकास के काम और तेज होने वाले हैं। साथियों, मैं यहां के व्यापारी कारोबारी समाज को, हमारे नौजवानों से भी कहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए भी अवसरों से भरा हुआ समय है। हमारा प्रयास है कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, यहां नए कारखाने लगे, ताकि नौजवानों को यही अपने अपने जिलों में ही रोजगार मिले। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर भाजपा ने अनेक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। हमने सरकारी भर्तियों में भी पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। पहले सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलती थी जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के खास होते थे। अब इस पुराने सिस्टम को फिर से लौटने नहीं देना है। पुराने सिस्टम की बंदिशों को तोड़कर अब जम्मू कश्मीर में हर नौजवान को उसका हक और सम्मान मिलेगा। साथियों, भाजपा का प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो। हमारा प्रयास यह है कि परिवार की कमाई में माताओं, बहनों, बेटियों का योगदान बढ़े। इसलिए हम बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद दे रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। भाजपा ने बहनों को खेती के लिए